पहाड़ों में लगातार जल रहे जंगल आने वाले दिनों में पहाड़ी लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पूरे गढ़वाल भर में जंगलों में लगी आग लगातार वायुमंडल में प्रदूषण फैला रही है। पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डीके जोशी का कहना है कि लगातार लग रही आग वायुमंडल में फैल रही ऑक्सीजन गैस को कम करती जा रही है और बीते कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में कार्बन गैस की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है। जोशी का कहना है कि आज से प्रदूषण विभाग की कई टीमें पहाड़ी जिलों में कैंप लगाकर प्रदूषण के स्तर को मापेंगी। जो नेचर में जो गैसेस का जो बैलेंस है वो इस किस्म से है कि जैसे 78% के आसपास नाइट्रोजन है और आपके 21 समथिंग जो है आपका ऑक्सीजन है, बाकी 0.03 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है और रेस्ट जो है आपके गैसेस है। जब कभी पहाड़ों में कहीं पे आग लगती है तो जो ऑक्सीजन होती है वो उसको जलाने में सहायक होती है, तो निश्चित तौर पे पहाड़ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसको बर्निंग करने में आवश्यक होगी। तो जितनी भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो डिप्लीट हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। तो ऐसे इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन के डिप्लीशन होने से जो आपके जो आपका रेस्पिरेटरी और जो आपका जो कार्डियक है ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी लोगों को। और रही बात पोल्यूशन की लगे तो निश्चित तौर पे जो आपके जो अनबर्न कार्बन है उनके बढ़ जाने से जो है एसपीएम की मात्रा भी बढ़ जाएगी इसमें। तो इसीलिए इस विभाग ने अभी तय किया हुआ है कि हमारा तो ऐसे माउंटिंग स्टेशन हल्द्वानी में ही है जो कि रेगुलर इसको एम्बिएंट एयर माउंटिंग करता है, लेकिन इस भयावता को देखते हुए हमने तय किया हुआ कि हमारी जो है टीमें यहाँ से रवाना की जाएंगी ताकि जो है अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर, जहाँ जहाँ भी ये बढ़ने की अब फायर की हो रही है तो वहाँ पे हम इसका अपना माउंटिंग स्टेशन को जो है जाकर के अपना जो है माउंटिंग कराएंगे और देखेंगे कि भाई एसपीएम की मात्रा क्या है और फिर रिपोर्ट हम उसको अकॉर्डिंग देंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका।